नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित ब्लॉक बरौली अहीर की ग्राम पंचायत कबूलपुर में मकान के लिए खुदाई के दौरान रविवार को शिव पार्वती की करीब 500 साल पुरानी प्राचीन प्रतिमा निकली है, जो कि ग्रामीणों के लिए कौतूहल का विषय बन गई है। कुछ लोग इसे विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा भी मान रहे हैं और जिसके चलते देखिए किस प्रकार गांव में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। महिलाएं, बेटियां और युवक सभी प्रतिमा की पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं। वहीं जयकारों की गूंज से पूरा कबूलपुर गूंज गया है। आपको बता दें कि लगभग 500 वर्ष पहले गांव कबूलपुर माणों के नाम से जाना जाता था और यहां होकर गांव एटोरा और यहां होकर बाण गंगा निकलती थी। इसी के किनारे राजा कलिंगा यानी कि कलिया राजा का यहाँ महल कबूलपुर में, जो कि आज भी है और खंडर में तब्दील हो गया है। बताया जाता है कलिंगा राजा का यहाँ राज था और तभी से यहाँ देवी देवताओं की काफ़ी पूजा अर्चना होती थी। कलिंगा राजा एटोरा वाली देवी की भी पूजा करने आया करते थे। और देखिए यहाँ आज यानी कि रविवार को देर रात गांव में जो प्रतिमा निकली है वो कहीं ना कहीं आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये लगभग 400 से 500 वर्ष पुरानी है। आपको बता दें कि कबूलपुर गांव निवासी भगवान दास के खेत में मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और करीब 6 बजे बुलडोजर से खुदाई हो रही थी, तभी एक पत्थर का टुकड़ा बुलडोजर से टकरा गया और वहां खड़े भगवान दास और परिवार के अन्य लोगों ने पत्थर को निकाला तो वह एक प्राचीन प्रतिमा थी, जिसकी जानकारी गांव के अन्य लोगों को हुई। धीरे धीरे देखिए किस प्रकार भीड़ जुटना शुरू हो गई है। भगवान दास ने बताया है खेत में बन रहे घर के लोग भी पहुंच गए। ग्रामीणों ने भजन कीर्तन भी शुरू कर दिया है और आरती भी की जा रही है। आप देख रहे हो किस प्रकार गांव में, पूरे गांव में ये प्रतिमा पूरे गांव के साथ साथ क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और सभी लोग देख रहे हो आप तस्वीरों में किस प्रकार पूजा अर्चना के लिए निकल रहे हैं। वहीं देखिए किस प्रकार आप देख रहे हो ये देवी माँ की प्रतिमा, कोई इसे शिव पार्वती की प्रतिमा बता रहा है तो कोई इसे लक्ष्मी, और देखिए किस प्रकार आप आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि ये कोई भी समझ नहीं पा रहा है आखिर ये प्रतिमा किसकी है। खुदाई में निकली गई प्रतिमा की पूजा के लिए ग्रामीण देखिए किस प्रकार जुट गए हैं। हालांकि अभी इस मामले की जानकारी ग्रामीणों ने प्रशासन को नहीं दी है, परंतु खबरें प्रकाशित होने के चलते प्रशासन को भी जानकारी होगी। और आपको बता दें कि खबर का जैसे ही प्रसार होगा सोमवार को प्रशासन की टीम गाँव में अवश्य पहुँचेगी और जानकारी लेगी आखिर ये प्रतिमा किसकी है। इस दौरान आपको बता दें नवल सिंह कुशवाहा, मुन्ना लाल, विजय सिंह, बल्लू ठाकुर, संजीव कुशवाहा आदि बड़ी संख्या में देखिए दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तो जानते हैं क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित ककुआ के गांव कबूलपुर में देखिए यहां बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान एक प्रतिमा जो कि दिखाई दे रही है वो यहां निकली है। आपको बता दें कि कबूलपुर गांव कभी राजा कलिंगा का महल है, यहाँ राजा कलिंगा का यह राज्य था और यहाँ उनका महल आज भी खंडर में तब्दील है। और उसी गांव में देखिए आज यहाँ मकान बनाने के दौरान खुदाई में एक प्रतिमा निकली है, जिसको कोई विष्णु भगवान की प्रतिमा बता रहा है तो कोई उसको अनेक प्रकार के कुछ अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, परंतु यहाँ प्रतिमा के निकलते ही आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार पूजा अर्चना शुरू हो गई है और लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ जानेंगे यहाँ के निवासियों से क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। क्या नाम है ताऊ तुम्हारा? नवल सिंह है मेरा नाम, नवल सिंह। ये कौन को मकान बनना है? मकान बाबा को, तुम्हारे को, भतीजे भतीजे को। क्या नाम है? भगवान दास। तो फिर कहाँ हो यहाँ, क्या करो? दिमाग बिजली निकली है, मूर्ति निकली है। हाँ, काय की मूर्ति है? ये हनुमान भाई विष्णु के समान लगी। अच्छा क्या बताते तो तुम्हारे बुजुर्ग, यहाँ कुछ था किसी का महल फैल था यहाँ? महल फैल कजू नहीं है, मैंने तो माओ माड़ो पे, माड़ो पे है। हाँ, माड़ो पे, माड़ो कहाँ पड़ता है? जल रही नहीं, रोड पे ही जाई पल्ली। तुम्हारे गाँव में ही है? हमारे गाँव में ही है। अच्छा, वो कौन का राज था, कौन राजा रहते थे वहाँ? राजिया। तो अब क्या पूजा अर्चना चल रही है यहाँ पे? हाँ, पूजा चल रही। ये देखिए ये प्रतिमाएं खड़ी हुई हैं, इनकी पूजा अर्चना चल रही है यहाँ पर। हाँ। और आप और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ है संजू? चल रही। संजू क्या मामला है यहाँ पर? ये मामला ये है, यहाँ पर मकान बनने के दौरान और मतलब प्रतिमा निकली है और
काफी भीड़ गांव कबूलपुर की इकट्ठी हुई है और बहुत से सारे लोग बता रहे हनुमान जी हैं, अब बता रहे विष्णु भगवान लक्ष्मी माता हैं। यहां पर मेला लग सकता है और इस माता का उद्घाटन होगा कल। देखिए यहां किस प्रकार युवाओं में जोश दिखाई दे रहा है। बोल माता रानी की जय, बोल माता रानी की जय, जयकारों के बीच देखिए यहाँ आप देख सकते हो प्रतिमा की, इधर दिखाइए प्रतिमा की, देखिए किस प्रकार पूजा अर्चना जारी है आप देख रहे हो यहाँ, और लोग श्रद्धा के चलते यहाँ लोग रुपए भी चढ़ाने शुरू हो गए हैं। और ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप कबूलपुर गांव से, जो कि राजा कलिंगा का गांव है और राजा कलिंगा का महल आज भी यहाँ खंडर है। उसी गाँव में देखिए यहाँ किस प्रकार खुदाई के दौरान, मकान की खुदाई के दौरान एक प्रतिमा निकली है जिसे भगवान विष्णु की प्रतिमा बताई जा रही है। और ये गांव काफी पुराना है और इस गांव में आपको बता दें देखिए किस प्रकार यहां जयकारे लगाए जा रहे हैं। जगदीश प्रसाद शास्त्री, कौन सा गांव है? बाद आगरा। ये गांव कौन सा है? हाँ जी, ये सभी देवताओं की मूर्ति है, इसको स्थापना करवा भैया। हाँ भगवान दास, क्या मामला है, क्या निकला है? विजय जी भत्त कराओ यहाँ जलगरी मूर्ति। मेरा नाम संजू सिंह है। क्या मामला है? यहाँ पर जो घर बनाया गया है इस जगह के लिए, मतलब जो मिट्टी है वो पैसों से नहीं मंगाई गई है, जो अपने खेत से इसका भर्त किया जा रहा है जेसीबी द्वारा। क्या हुआ? तो दो तीन दिन से भर्त चल रहा है, तो आज के दिन जो जेसीबी द्वारा थोड़ी सी मूर्ति में थोड़ी सी जेसीबी टच हुई और मूर्ति दूर जाके उछट के पड़ी। कितनी बजे घटना है? ये घटना है ऐसे मान लो आप 5:30-6 बजे की। क्या देखा आपने? यहाँ पर ये मूर्ति उछड़ के पड़ी तो हमने देखा ये कितने साल पुरानी है, ये बुजुर्ग हैं, ये बुलाए, ये बोल रहे थे यहाँ पर बाल गंगा थी और कम से कम ये मूर्ति 700 या 500 के लगभग साल पुरानी है ये मूर्ति। आपने किसी को जानकारी दी है? हाँ, हमने सभी लोगों को, गांव वालों को, सभी को जानकारी दी। यहाँ पर गाँव वाले और आस पास के प्रशासन को जानकारी नहीं दी जी। अब क्या तैयारी चल रही है यहाँ पर? तैयारी ये चल रही है मंदिर, जल्दी से जल्दी मंदिर की स्थापना होने जा रही है यहाँ पर। और सभी किस प्रकार के लोग प्रतिमा बता रहे हैं। आगरा।